हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि जैसे आप मकान जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ईंट, बालू और सीमेंट। तो दोस्तों, बालू के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो बालू होता है, बालू के बारे में आपको समझ लें कि बालू किसे कहते हैं। जैसे हर स्टेट में जो है अलग अलग इसका भाषा है। जैसे कि मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये जैसे यूपी, बिहार और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, इसमें कहीं कहीं तो बालू कहा जाता है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ इसी को बदरपुर कहते हैं। यह देखिए, बालू को ही बदरपुर कहते हैं। फिर अगर आप महाराष्ट्र चल जाएँ तो इसे मोरना भी कहते हैं, कहीं रेती भी कहते हैं, वो अगर हरियाणा चल जाए तो क्रेशर कहते हैं। तो इसी तरह से आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, हर स्टेट में अलग अलग इसकी जो भाषा है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बालू वो चीज़ है जो मकान बनाने के काम में आता है, जैसे चुनाई, प्लास्टर। तो अब आप समझ गए होंगे कि बालू, मैं किस बालू की बात कर रहा हूँ। खास करके ये नदियों में पाया जाता है, और आजकल तो नदियों से अगर पूरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है कि पत्थर को पीसकर भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं सिर्फ इसलिए मैं बालू की जानकारी देना चाहता हूँ कि मकान बनाने में सबसे अहम काम है बालू का। जैसे कि आपने ईंट भी अच्छी लगाई, सीमेंट भी अच्छी लगाई, लेकिन अगर बालू आपकी अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि मकान में जो है वो कमज़ोरी आ जाएगी, मतलब ताकतवर नहीं बन पाएगा। अब इसका कारण क्या है, तो इसमें यही समझदारी की बात है कि इसमें आपको कौन सा चीज़ में कैसा बालू आपको यूज करना है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैसे भी मकान बनेगा तो सबसे पहला काम जो है वो चुनाई का आता है, या फिर कॉलम खड़ा किया जाता है। तो कॉलम खड़ा करने में और चुनाई में आपको कौन सा बालू यूज करना है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ चार बालू दिख रहा है, ये जो बालू है ये सबसे बारीक है, इससे थोड़ा सा मोटा ये वाली है, और इससे थोड़ी सी मोटी ये वाली है, और ये सबसे ज़्यादा मोटी है। तो इसमें आपको जो कॉलम भरने का काम है और चुनाई जो करने का काम है, तो आपको ऐसे बालू से करना है, मोटे बालू से। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोटे बालू में क्या होता है कि इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है और ईंटों को पूरा जकड़ के रखता है। तो आपको, आप समझ गए होंगे, चुनाई में आपको कौन सा बालू यूज करना है और कॉलम भरने में। जैसे कॉलम भरने में जो रोड़ी पत्थर का टुकड़ा के साथ जो मिलाया जाएगा, 50% नहीं, वैसे तो रोड़ी दो हिस्सा होना चाहिए था और एक हिस्सा बालू मिलाया जाता है, ताकि वो कॉलम जो होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। अगर 50% आप मिला देते हैं गिट्टी और बालू, तो क्या होगा, कॉलम या लेंटर या स्लेब जो भी होगा उसमें दरार आ सकती है, फट सकती है। तो ऐसा नहीं आपको करना है, आपको जो रोड़ी है, जो पत्थर का टुकड़ा जो होता है रोड़ी, तो उसको क्या है, जो ज़्यादा मिलाना है, मतलब डेढ़ गुना मिलाना है। अगर जैसे मान लिया जाए कि 3 तसला ये है अगर बालू है, तो वो आपको 4, 4.5 तसला देना है, इस हिसाब से देना है। अगर 2 बालू देना है तो 3 गिट्टी देना है, इस हिसाब से आपको डेढ़ गुना देना है। तो आपको ये कॉलम के बारे में मैंने बताया कि कॉलम में आपको किस तरह से यूज करना है और कौन से बालू यूज करना है। दोस्तों, ये मैंने आपको कॉलम और चुनाई के लिए मैंने बता दिया, इससे आपको कॉलम और चुनाई के काम में है, जो आपकी दीवार को जो है वो काफ़ी मजबूती बनाए रखेगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब चुनाई हो जाएगा, लेंटर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो है प्लास्टर का काम आएगा। तो प्लास्टर में आपको क्या करना है, जैसे उसमें भी ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसी इस तरह से बालू मिला देना है, ऐसे जो बालू है ये रेती जो है, मतलब ये काफ़ी पतला है, मतलब बहुत बारीक है, ये देखिए। तो ये बारीक जो रेती है ना, ये बिल्कुल कमज़ोर होता है, मतलब जब प्लास्टर होगा तो आपको मकान ऐसा देखने में लगेगा कि बहुत सुंदर हुआ है, बहुत चिकना हुआ है। जैसे आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पॉलिश किया हुआ दीवार है, लेकिन वो भविष्य के लिए नुकसान है, क्योंकि उसमें 2 कारण हो सकता है। भविष्य के लिए इसलिए भी नुकसान है कि जैसे आपका अगर दीवार पूरा चिकना हो गया, पूरा प्लेन हो गया, एकदम बिल्कुल चिकना हो गया, तो उसमें क्या होगा, यदि आप दीवार पे पट्टी खिंचवाते हैं, वाल पट्टी करवाते हैं, या पीओपी भी करवाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब वो चिकना होगा तो उस पर पकड़ नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, प्लास्टर का में भी आपको ध्यान देना है कि आप बारीक वाले से बिल्कुल ना करवाएं। आप प्लास्टर में भी इस बालू को यूज कर सकते हैं, या देखिए इस बालू, वैसे सबसे नेचुरल बालू जो है ये है, ये सबसे महंगी बालू होती है, यह देखिए, इसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं होता है, यह देखिए। तो अगर आप इस बालू से प्लास्टर करवाते हैं तो आपका जो प्लास्टर है वो काफ़ी मजबूत होगा, और उसमें हल्का हल्का, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल रफ रहेगा, हल्का हल्का रफ रहेगा। तो हल्का रफ रहने के कारण क्या होगा कि आपका दीवार पे जो आप बाल पट्टी करवाएंगे, या पीओपी करवाएंगे, या पेंट करवाएंगे,
कोई भी चीज़ करवाएंगे तो उस पर जो उसकी पकड़ होगी वो बहुत जानदार होगी। और जैसे आपने बारीक वाले से करवा दिया तो पलस्तर तो आपको सुंदर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हमारा पलस्तर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो अच्छा देखने के लिए है। जैसा कि मार्केट में जो है कहते हैं कि इस फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, वो वाली बात आ जाएगी। मतलब फैंसी तो होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दीवार पलस्तर बहुत चिकना हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन भविष्य के लिए वो नुकसान है, क्योंकि जब उस पर जब बाल पट्टी करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें वैसी पकड़ नहीं होगी जो कि रफ वाली दीवार पर होगी। तो दोस्तों अब ये पलस्तर के बारे में आपको बताऊँ, अगर ऐसा बालू हो और इसमें आपको ऐसा लगे कि मोटा ज़्यादा है, या मिस्त्री आपको कहे कि हाँ इसमें मोटा है, तो आप इसको छन्नी से छान भी सकते हैं। छन्नी से छानने से क्या होगा, ये देखिए जैसे इसमें कुछ कुछ मोटे दाने हैं ये निकल जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर अगर आप जब इसे पलस्तर करवाते हैं तो आपका जो दीवार है बिल्कुल हल्का सा रफ तो रहेगा, बिल्कुल हल्का सा रफ रहेगा, लेकिन रफ जो है वो आपके भविष्य के लिए, आपके दीवार के लिए, आपका पलस्तर जो है वो कम से कम ये बारीक वाले से तो 3 गुना ज़्यादा दिन चलेगा। अगर ये पलस्तर 10 साल में ख़राब होता है तो वो 30 साल में ख़राब होगा। वैसे इसीलिए मैं आपको पूरा जानकारी मकान बनाने के बारे में देना चाहता हूँ कि ताकि आप मकान बनाएं तो आप मकान बनाने में जो पैसा खर्च करें वो जब आपका दीवार का पलस्तर झड़ने लगेगा तो आपको बहुत दुख होगा। तो आप इस चीज़ से पहले से बच जाएं कि आप पहले जब इस पे सचेत रहेंगे तो आपका दीवार झड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मकान बनाना इस समय इतना टफ काम है, मतलब इतना पैसा खर्च होता है कि आदमी एक बार मकान बनाने के बाद वो थक जाता है, उसे ये एहसास होता है कि भाई मकान बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप मकान बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया और बाद में आपका पलस्तर झड़ने लगा, दीवार में क्रेक आने लगा, पलस्तर क्रेक आने लगा, लेंटर में क्रेक आने लगा, तो आपको कितना दुख होगा। तो इसलिए दोस्तों मकान बनाने से पहले सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि आपका मटेरियल जो है कैसा लग रहा है और कहाँ पे कैसा मटेरियल लगाना है। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका चुनाई, लेंटर और कॉलम भरने में आपको मोटे बालू को यूज करना है, इस तरह के मोटे बालू। अब इस पर कलर पर आप ना देखें कि ये लाल है या पीला है या हरा, लेकिन ये इससे क्या होगा, आपको कलर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये देखना है कि हाँ मोटा है। अगर मोटा है तो ये वो ज़्यादा मजबूत होगा लेंटर के लिए, लेंटर के लिए मोटा बालू ही होना चाहिए। वैसे बालू मैं 4 तरह का दिखा रहा हूँ आपको सैंपल में, ये देखिए। वैसे ये जो बालू है ये लाल है, ये जहाँ जिस नदी से भी निकाला गया होगा तो ये लाल है, ये हल्का सा जो है क्रीम कलर का है, और ये बिल्कुल वाइट है। मतलब ये जो बालू है ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी चीज़ का मिलावट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। ये बालू अगर आप लगाते हैं तो मकान के लिए सबसे बेहतर होगा, ये देखिए। तो दोस्तों ये आज हम आपको बालू के जानकारी देना चाह रहे थे कि मकान बनाने में कैसा बालू आपको लगाना है। ऐसा इतना ही नहीं, अगर ये बालू आप लगाते तो एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होने वाला आपको। जैसा कि लेंटर आप डालते हैं तो उसमें भी क्रेक नहीं होगा, जब अगर ये बारीक वाला डाल देते हैं, बारीक वाला बालू, तो इससे लेंटर भी क्रेक हो सकता है। लेकिन अगर मोटा बालू होगा, और ख़ास करके लेंटर और कॉलम में जो है बराबर बराबर नहीं देना है, मतलब गिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी और बालू का कम, जब भी आपका जो कॉलम है और लेंटर है स्लेब जो भी डालोगे तो वो उसमें क्रेक नहीं होगा और ना फटेगा। फटता जब है जब वो 50% दे दिया जाता है, या फिर बालू का मात्रा ज़्यादा और गिट्टी का कम, तो ऐसे हालात में जो है लेंटर या स्लेब या कॉलम उसमें दरार दिखाई देगा, क्योंकि जब बालू ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि उसमें पानी पड़ने के बाद जब वो सूखता है तो वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के कारण उसमें दरार आ जाती है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो जो है कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।